सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9 मई रविवार के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 9 मई 2021 दिन रविवार का रहेगा और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 7:30 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 5:29 तक चलेगा और इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो प्रीति नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:43 तक चलेगा और इसके उपरांत आयुष्मान नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:52 पर, सूर्यास्त का समय यह शाम के 6:54 पर होगा और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 4:25 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 5 बजे। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:16 से लेकर ठीक शाम के 6:54 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी शुरू ना करें और ना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकता है। ये रहा आज आपके लिए चाणक्य नीति ज्ञान। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, लक्ष्मी अगर मेहनत करने से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलता है। आपको अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं, ये आपसे जुड़े हुए लोगों से पुण्य है जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवाय खोने के लिए। दोबारा गर्म की चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास भी नहीं आती। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। बात करते हैं अब आपके डेली राशि फल के बारे में। आज आप काल्पनिक से मोड में हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। बस आपको ध्यान रखना है, आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सर्च करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें आज आप अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ और संभव सा हासिल करने चाहेंगे। आपको बता दें
हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधित ख्याल आए हुए हैं। आपको बता दें, आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। आपको बताना चाहेंगे, एंटी एजिंग समाज को लेकर कोई सोलमेट सर्जरी तक शामिल हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है, आप सुंदर बने रहने के लिए अपने जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपके स्तर पर यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लव लाइफ की बात करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, आपके लव लाइफ में आज बहुत कुछ भावनात्मक महसूस करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोस्तों की तरह भावनाएं आपके दिमाग में घेरे रहेंगी, इसलिए फिलहाल अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई भी फैसला करना अभी ठीक नहीं होगा। आपको बता दें, हालांकि यह समय प्यार और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। बस आपको ध्यान रखना है, खासकर अगर आप किसी समर्पित संबंध में हैं, जो अकेले हैं, वे आज अपने आप को किसी और की भी आकर्षित महसूस करेंगे, जो उनमें से थोड़ी सी भी रुचि दिखाई देगा। चलिए अब आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। ये समय उन लोगों के लिए अपने आप को अलग करने का समय है जो आपके विचारों से असहमत है, या जो आपके साथ चलने या सहायता करने में असमर्थ है। हम आपको बताना चाहेंगे, यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से भी एक बड़ा कदम होगा। आपको बता दें, आपकी इस व्यापारिक राजनीति में रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, आपकी आय सुरक्षित है और जिसे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दें, ताकि आपका दिन शुभ हो।